हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो पेडागॉजी के हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीटेट, यूपीटेट, एसटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से। कुछ क्वेश्चन हमने इंग्लिश एंड पेडागॉजी के जो है लास्ट वीडियो में सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले उसको देखें, उसके बाद जो है इसे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से। ये कहता है विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की जो है कौन सी क्वालिटी इनमें से नहीं है, ठीक है। लेजिबिलिटी की, डिस्टिंक्टिवनेस, स्पेसिंग, फोर्थ ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, ठीक है। गुड राइटिंग के लिए अगर हम देखे जाएं तो लेजिबिलिटी भी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस भी होनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, अगर हम लेटर्स का जो साइज होगा वो छोटा बड़ा कर देंगे तो वो भी एक क्या है, क्वालिटी नहीं है गुड हैंड राइटिंग की। तो इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस पूछा है, नॉट, कौन सा पूछा है, नॉट। इसलिए जो ऑप्शन जाएगा किसको जाएगा, फोर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। टीचिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड कंटिन्यूसली, टीचिंग टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, टीचिंग डिफिकल्टी टॉपिक। तो इसमें देखिए पहले सोचिए कौन सा होगा, ठीक है। रिमीडियल टीचिंग की हम बात करें, ठीक है, तो ये किसका है, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले बच्चे को टीचिंग दी जाती है, उसके बाद जो है टेस्टिंग करी जाती है, डायग्नोज करा जाता है किन किन जो है बच्चों को जो है कमज़ोर है, बच्चे कहाँ उनकी कमजोरी है, उनको फिर दोबारा से टीचिंग दी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा टीचिंग एंड टेस्टिंग, जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, टीचिंग एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है बच्चों को, ठीक है, वाज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट 4 अगस्त 2009। व्हेन डिड दिस लॉ कम इनटू इफेक्ट इन द इंडियन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कब जो है वो आया था, कौन सी डेट में वो आया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 1 अप्रैल 2010 जो है इसका सही आंसर है। 1 अप्रैल को जो है वो प्रपोज तो हो गया था पार्लियामेंट में 4 अगस्त को, लेकिन जो आया था, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर वो 1 अप्रैल को लागू हुआ था, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दी जाती है वो 16 से लेके 14 ईयर्स बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है थ्री होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉजिक, ठीक है। जो पेडागॉजी वर्ड है उसका जो है नाउन क्या है, पेडागॉजिकली, पेडागॉजिकल, पेडागॉग, नन ऑफ दीज, इसका जो है क्या है ऑप्शन, पेडागॉग जो है इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, जो रिफर्स करता है किसको, टीचर्स के लिए, ठीक है, रिफर्स, जो रिफर्स करता है, रिफर्स टू टीचर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है थ्री ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिटर ट्रूथ, जो कड़वा सच ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। जो कड़वा सच क्या है जो हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन जो है उसमें, फर्स्ट है हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन कम्प्लीटिंग द प्री डिटरमाइंड सिलेबस, जो पहले से डिटरमाइंड सिलेबस है उसको कम्प्लीट करने में लगे रहते हैं हम, और उनको हम जो है महत्व जो देते हैं किस पे ज़्यादा, बुकिश नॉलेज पे देते हैं, मेमोराइजेशन पे देते हैं, ठीक है, रट्टिफिकेशन पे ज़्यादा देते हैं। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल आर इक्वली गुड। फोर्थ ऑप्शन है एवरी चाइल्ड इन स्कूल इज पेड अटेंशन फॉर हिज ग्रोथ, जो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, मेमोराइजेशन एंड कम्प्लीटिंग द प्री डिटरमाइंड सिलेबस को हम कम्प्लीट करने में लगे रहते हैं, कैसे हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाए, ये एक कड़वा सच है इंडिया में स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम इट मीन्स, ठीक है, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, उसमें जो इसका एम क्या है, ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को किसके लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, नर्चरिंग बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज, कोचिंग ऑल द चिल्ड्रन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ट्रेनिंग एंड चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट कैरियर्स, ठीक है। इसके दो ऑप्शन तो नीचे वाले हैंगे होंगे नहीं, तो इनमें से आपको भी बताना है फर्स्ट ऑप्शन इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट है या सेकंड ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया मे नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर, ठीक है। अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं, स्कॉलिस्टिक में जो हमारा एकेडमिक आ जाता है, इसको स्कॉलिस्टिक में जो हमें कल्चरल एक्टिविटीज जितने प्रोग्राम वगैरह एक्टिविटीज वगैरह होती हैं स्कूल्स में वो आ जाते हैं। इसमें पूछा है नॉट को स्कॉलिस्टिक, तो इसका मतलब आ गया जो हमारे सब्जेक्ट है एकेडमिक वाला आ गया। स्किल्स की बात करें, ठीक है, एटीट्यूड वैल्यूज ये सब जो आ जाती हैं को स्कॉलिस्टिक में आ जाती हैं, तो नहीं पूछा है इसने कैरिकुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो एकेडमिक होगा हमारे पास, ठीक है, जो स्कॉलिस्टिक में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा फोर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज वाट, ठीक है। बच्चा जो है क्या है, अ टाइप ऑफ लर्निंग, वो कौन सी लर्निंग है, कोई स्टूडेंट ट्राई टू लर्न इमर्जिंग न्यू रूल जो है वो सीख रहा है, ठीक है, सर्च कर रहा है, एंड लर्निंग मटेरियल थ्रू किससे, लर्निंग मटेरियल से न्यू रूल इमर्जिंग कर रहा है वो, ठीक है, नोज एज वाट। रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग भी है, रिसेप्शन लर्निंग ये नहीं होगा इसका तो, बट जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है डिस्कवरी लर्निंग, वो क्या डिस्कवर कर रहा है, मीनिंगफुल भी लर्निंग इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, फोर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इज़ द एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी जो होती है वो कहलाती है क्या, थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नॉलेज पूछ ले जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, वाट डज एजुकेटम मीन्स, एजुकेटम मीन्स मतलब क्या है एजुकेटम का, ठीक है, एजुकेटम का मतलब है टू ग्रो, ठीक है, टू ग्रो जो है इसका मीनिंग है, ये याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एक्सेस का एंड इनरोलमेंट का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो किसका है, वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का, इसका जो ऑप्शन है फोर ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे पेडागॉजी के। अब